नमस्कार, एसएम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जीवन क्या है? जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रही राह मनमानी है। कब फुटागिरी के अंतर से, किस अंचल से नीचे उतरा, किस धरा से बहकर आया, समतल के को अपने खींचे। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। रुक जाना है, मर जाना ही निर्झर अक्षर कर जाता है। कविवर आरसी प्रसाद सिंह, जो छायावाद के सुकुमार कवि हैं और बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने जीवन का धरना कविता के माध्यम से जीवन, मनुष्य के जीवन को चित्रित किया है, चरित्रित किया है। उन्होंने मनुष्य के जीवन का वर्णन एक झरना के माध्यम से किया है और उन्होंने एक झरना को मनुष्य के जीवन के समानांतर बताया है। जिस प्रकार झरना की उत्पत्ति होती है, उसका यात्रा तय होता है और समाप्त होता है, उसी प्रकार जीवन भी ऐसा ही है। जीवन, किसी भी व्यक्ति का जीवन जन्म से शुरू होता है। परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में जन्म के बाद इस धरा पे आती है, इस पृथ्वी पे आती है। उसके बाद जीवन का चरण शुरू होता है, बाल्यावस्था आता है जिसको शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद युवावस्था, किशोरावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है। और प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति का मनोभाव, अपने जीवन का भाव, उसके काम करने की तरीके, समाज से उसकी अपेक्षा बदलते जाती है। बचपन में हम खेलते हैं, माँ के आंचल में होते हैं, माँ की गोद में सोते हैं, उस प्रकार कोई सामाजिक राजनीतिक अपेक्षा नहीं होती है। माँ ही उसका पूरा संसार होता है। जब व्यक्ति सोचने समझने लगते हैं तो कुछ सीखते हैं, समाज उनको सिखाती है, माँ उनको पढ़ाती है, परिवार का, समाज का, सबका भार उसके कंधों पर बढ़ने लगता है। वह आगे चल के किशोर होता है जब उसकी स्कूली शिक्षा होती है, उसके बाद विश्वविद्यालय की शिक्षा लेते हैं। और जब शिक्षा पूर्ण होती है तो समाज एक उद्देश्य से, एक भाव से उसकी ओर देखती है कि समाज को क्या दे रहा है। समाज का निर्वहन उसके निर्वहन पे आश्रित होता है। उसके बाद वो भी एक दिन पिता बनता है, वो भी एक जीवन को देता है और अंततः वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था के बाद जीवन समाप्त हो जाता है, अर्थात जीवन नश्वर है, यानी जीवन आता है, चला जाता है और आत्मा नश्वर भी है। आत्मा परमात्मा से निकलकर आती है जीवन के रूप में और इस जीवन की यात्रा तय करती है और पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है, अर्थात यह दिव्य ज्योति महाज्योति में समा जाता है, व्यष्टि समष्टि में पुनः मिल जाता है, अर्थात समष्टि से व्यष्टि और फिर व्यष्टि से समष्टि की ओर चला जाता है। यही पूरे जीवन का, पूरे ब्रह्मांड में जो 84 करोड़ योनि है, इसमें अलग अलग हम लोग मनुष्य जीवन में इस प्रकार से अलग अलग जीवन का अध्याय होता है, जीवन का क्रम होता है। इसमें हम सभी सीखते हैं, समझते हैं और इस जीवन में इसीलिए माया मोह नहीं करना चाहिए, अपने आप को सजग, अपने आप को शिक्षित और समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ नहीं होता है। जीवन प्रकृति का एक खेल है, जीवन प्रकृति का एक आशीर्वाद है, जीवन प्रकृति का एक दर्शन है और इसी जीवन दर्शन को व्यक्ति को चाहिए कि बहुत अच्छा से अच्छा कर ले और इससे उसका फलीभूत उसके मरने के बाद भी इस पृथ्वी पर होते रहे। इस प्रकार से आपसे निवेदन है कि अपने आप को सत्कर्मों में बदले, अपने आप को समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरे। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप इस ऐसा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने